दोस्तों आप में हम सभी लोग जानते हैं कि पहले तेजस मार्क 2 को जो रोल आउट किया जाना था वो 15 अगस्त 2022 को ही किया जाना था, यानी आज़ादी का जब अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे होंगे उस समय एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक शामिल होते, उन्हीं के द्वारा तेजस मार्क 2 को रोल आउट किया जाता। लेकिन हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि बीच में जो चाइनीज खुरापात की वजह से ये लेट हुआ है तेजस मार्क 2 परियोजना, इस वजह से 15 अगस्त यानी जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे उस समय इसे रोल आउट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले सप्लाई चेन बंद हो चुकी थी और तेजस मार्क 2 के ऊपर इतना काम नहीं हो पाया जितना कि हमारी डेडलाइन हमसे कह रही थी। कहने का मतलब थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको बता दूँ, जो नई खबर निकल कर आ रही है बड़ी एक्साइटेड कर देने वाली है, क्योंकि आने वाले कुछ ही सप्ताह में हम लोग तेजस मार्क 2 को रोल आउट होते हुए देखने वाले हैं। जी हाँ, और ये बात सीधे जुड़ी हुई है भारतीय वायुसेना के चीफ यानी वीआर चौधरी सर से। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तेजस मार्क 2 के लिए और हमारे सारे साइंटिस्ट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि कोविड-19 की वजह से हमारी तेजस मार्क 2 परियोजना थोड़ी सी लेट जरूर हुई है, लेकिन यहाँ पर HAL के द्वारा इतना फास्ट ट्रैक काम किया गया कि इसे मैच करने की कोशिश की गई और बताया जा रहा है कि कुछ ही सप्ताह में इसे हम लोग रोल आउट होते हुए देख पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि वायुसेना के प्रमुख ने बेंगलोर स्थित HAL की फैसिलिटी की एक यात्रा की है, जहां पर उन्होंने तेजस मार्क 1A परियोजना, LCH और HTT-40 इन सभी परियोजनाओं का जायजा लिया। इसी के साथ साथ उन्होंने तेजस मार्क 2 से संबंधित परियोजना के बारे में भी जानकारी ली। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि तेजस मार्क 2 के लिए एक अलग सुविधा होगी, एक अलग फैसिलिटी होगी, तो वहां पर ही विवेक राम चौधरी सर को ये ब्रीफिंग दी गई तेजस मार्क 2 परियोजना से संबंधित सारी कुछ। अभी वैसे तेजस मार्क 2 को लेकर पहले जो इंडियन एयरफोर्स का रवैया रहा है इससे हम सभी लोग अवेयर हैं। हम जानते हैं कि पहले विवेक राम चौधरी सर ने कभी भी तेजस मार्क 2 को इंडक्ट करने की बात नहीं की थी, लेकिन फिर लास्ट मंथ हमने देखा कि सर ने खुद इस बात को कंफर्म किया कि 6 स्क्वाड्रन के लिए तो हम लोग प्रतिबद्ध हैं, तेजस मार्क 2 की 6 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगी। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट हमारी रहेगी उसको हम लोग देखेंगे कि बाद में कितनी ज़्यादा हमें ऑर्डर प्लेस करने हैं। फिर मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो बनाकर बताया कि तेजस मार्क 2 का एक ब्लॉक 2 वेरिएंट भी आ रहा है जिसकी 4 स्क्वाड्रन एडिशनली हमारी भारतीय वायुसेना में इंडक्ट की जाएगी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि एक स्क्वाड्रन में कितने फाइटर जेट होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 20 से 18 होते हैं, 18 मान लीजिए स्टैंडर्ड आंकड़ा है। अभी जब उन्होंने तेजस मार्क 2 परियोजना की ब्रीफिंग ली उस समय सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो ये थी कि उन्होंने HAL के अधिकारियों से बात की इसको लेकर और उनसे फास्ट ट्रैक काम करने के लिए अनुरोध किया, और HAL वायुसेना के बीच में इसको लेकर कोऑर्डिनेट करने की भी बातें कही जा रही है। यानी जैसे ही ये रोल आउट होगा उसके बाद जब इसके परीक्षण शुरू होंगे फर्स्ट फ्लाइट से लेकर लास्ट परीक्षण तक, जिसके बाद इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, इस दौरान भारतीय वायुसेना ने आश्वासन दिया है कि वो HAL के साथ मिलकर काम करेंगे और पूरा पूरा सहयोग इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अब किसी भी तरह का कोई संशय तेजस मार्क 2 को लेकर बाकी नहीं है। हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि तेजस मार्क 2 भारत के लिए देसी रफाल से कम बिल्कुल भी नहीं है। यह हमारी सारी की सारी वो रिक्वायरमेंट पूरी करने वाला है जो कि भारत के लिए रफाल फाइटर जेट कर सकते हैं। कहने का मतलब तेजस मार्क 2 के बिना यकीनन भारत की वायुसेना का फ्यूचर नहीं देखा जा सकता। और वैसे भी यार हम लोग देखें कि जितनी भी परियोजनाएं हम लोग चला रहे हैं, इवन जो MMRC 2.0 डील के लिए भी हम लोग 114 फाइटर जेट खरीदने वाले विदेशों से, इन सबको भी हम लोग भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। भाई जितना जल्दी हो सके, जैसे कि 2025 में कहा गया है कि MiG-21 को रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं कि 2025 भी काफ़ी लंबा चौड़ा समय है, कई सारे पायलट्स हम लोग खो चुके हैं अनगिनत। तो यहाँ पर मोरल ये निकलता है कि जितना जल्दी हो सके तेजस को बड़ी मात्रा में इंडक्ट किया जाए भारतीय वायुसेना में, जितना हो सके उतना फास्ट ट्रैक काम किया जाए ताकि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है बीच में फ्लाइंग कैफिन वगैरह की, इन सभी को दूर किया जा सके। तो अल्टीमेटली आप लोग तैयार रहिएगा, कुछ ही सप्ताह बाकी है जब हम लोग तेजस मार्क 2 को रोल आउट होते हुए देखेंगे और 2023 में यानी अगले साल 7-8 महीनों के बाद हम लोग इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी कंडक्ट होते हुए देख पाएंगे। यकीनन ये गर्व का मौका है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।